हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेम। आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्लेम। तो टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? अ हॉट ल्यूमिनस गैस इग्नाइटेड आउट ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन के टाइम एक हॉट गैस निकलती है, इग्नाइट होती है, उसे हम फ्लेम कहते हैं। बट व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या होता है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब कोई सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कैंडल, अगर हम इस कैंडल को बर्न करते हैं या उसे जलाते हैं, तो वो ये कैंडल हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। और जो लाइट ये प्रोड्यूस कर रही है, वो एक हॉट गैस है जो निकल रही है कंबशन की वजह से। उस हॉट गैस को हम फ्लेम कहते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एलपीजी का। एलपीजी जो हम सबके घरों में यूज होती है, जब हम अपना गैस स्टोव ऑन करते हैं तो हीट एंड लाइट निकलती है। जो लाइट होती है वो होती है हॉट गैस जो कंबशन की वजह से निकल रही है, तो उस हॉट गैस को हम फ्लेम कहते हैं। यस, फ्लेम इज ए गैस। फ्लेम सॉलिड या लिक्विड नहीं होती है, वो गैस होती है जो हमें दिखाई देती है बिकॉज ऑफ कंबशन। सो जो हॉट गैस इग्नाइट होती है कंबशन के टाइम, उसे हम फ्लेम कहते हैं। बट अब क्या सारे सब्सटेंसेस जो बर्न होते हैं, क्या वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? या हम ये भी कह सकते हैं, सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बर्न होते हैं तो क्या वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस बर्न हो सकते हैं, जिन्हें हम जला सकते हैं। तो आंसर है नो। जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, जब उन्हें हम बर्न करते हैं तो सारे हीट के साथ फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ ग्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, चारकोल। जब हम चारकोल को बर्न करते हैं, जब कंबशन होता है, तब हीट और लाइट प्रोड्यूस तो होती है, बट वो लाइट होती है सिर्फ ग्लो। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं, जब वो बर्न होते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है हीट के साथ, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ हीट के साथ ग्लो होता है। अब हमें ये पता है कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, जब वो बर्न होते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। बट वो सब्सटेंसेस फ्लेम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें कैंडल का। कैंडल हमें पता है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है, और लाइट जो है वो फ्लेम फॉर्म में होती है। तो ये फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो वो वेपोराइज हो जाता है कंबशन के टाइम। तो जो वेपोराइज हो जाता है कंबशन के टाइम, वेपोराइज मींस वो सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्लेम हमें विजिबल होती है। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है कैंडल का। तो कैंडल में जो फ्लेम होती है वो क्या होते हैं? यस, वो वेपर्स होते हैं वैक्स के। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो वैक्स मेल्ट होती है। जो मेल्टिंग वैक्स होती है वो राइज कर जाती है विक से। विक क्या होती है? ये जो ब्लैक पार्ट होता है कैंडल का, जिसे हिंदी में हम बत्ती भी कहते हैं, जिसे हम जलाते हैं, जिसे हम इग्नाइट करते हैं, तो वो मेल्टिंग वैक्स है, राइज कर जाती है विक से, वो वेपराइज हो जाती है और फ्लेम फॉर्म करती है। तो कैंडल की जो फ्लेम है, बेसिकली वो क्या है? वेपर्स है मेल्टिंग वैक्स के। तो इस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। आई होप अब आपको फ्लेम के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब हम देखते हैं फ्लेम का स्ट्रक्चर। अगर आप फ्लेम को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, फ्लेम जो है वो थ्री जोन्स में डिवाइडेड है, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर जोन। आउटर जोन जो होता है वो ब्लू कलर में होता है, इट इज इन ब्लूइश कलर। वो हमें विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इस जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं।
और आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होती है, पूरी कंबशन होती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए आउटर जोन जो है सबसे हॉट जोन होता है, सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। अगर आप अपनी फिंगर आउटर जोन के पास लेके आएंगे तो आपकी फिंगर जो है वो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है। नाउ नेक्स्ट इज मिडल जोन। मिडल जोन जो होती है वो येलो कलर में होती है, येलोइश कलर में होती है, और वो हमें विजिबल होती है, हमें दिखाई देती है। इसलिए इस जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। और इस जोन में कंबशन जो होती है वो पार्शियल होती है। पार्शियल कंबशन की वजह से ये जोन जो है ज्यादा हॉट नहीं होता है, सिर्फ मॉडरेट हॉट होता है। नाउ लास्ट इज इनर जोन। इनर जोन जो है वो ब्लैकिश कलर में होती है, ये विक के आसपास होता है, और ये जोन भी हमें विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे भी ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और यहाँ पे जो है कंबशन बिल्कुल होती ही नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है बिकॉज ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे कंबशन ही नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस ही नहीं होती है। इसलिए इनर जोन जो है सबसे कम हॉट होता है, मींस हॉट होता ही नहीं है, क्योंकि कंबशन हो ही नहीं रही तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो इसलिए इनर जोन जो है वो लीस्ट हॉट होता है। आउटर जोन जो है सबसे हॉटेस्ट होता है, मिडल जोन जो है वो मॉडरेट होता है, इनर जोन जो है लीस्ट हॉट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ट्रिक प्ले करते हैं, अपनी फिंगर को फ्लेम से बहुत जल्दी पास कर देते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी फिंगर जो है वो बर्न नहीं हुई, वो जली नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनर जोन है वो इतना हॉट होता ही नहीं है, और वो अपनी फिंगर को बहुत जल्दी फ्लेम से पास कर देते हैं। बट अगर आप अपनी फिंगर आउटर जोन के पास लेके आएंगे तो आपकी फिंगर जो है वो बर्न हो जाएगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है आउटर जोन में ही होती है। तो ये थे 3 जोन्स ऑफ फ्लेम। अब हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। गोल्डस्मिथ यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्डस्मिथ होते हैं, जो सुनियार होते हैं, वो आउटर मोस्ट जोन जो होती है फ्लेम की, उसे यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होती है वो सबसे हॉटेस्ट जोन होती है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन वहीं पर होती है, तो कंप्लीट कंबशन की वजह से वहां पे सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए वो जोन जो है सबसे हॉटेस्ट होती है। तो गोल्डस्मिथ जो सुनियार हैं वो उस जोन को ही यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए फ्लेम। आप क्या करें, एक लॉन्ग कॉपर वायर लें, उसे नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, थोड़ा सा पोर्शन जो है उस कॉपर वायर का आप डालें नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए फ्लेम में, आउटर जोन में 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के बाद आप देखेंगे कि जो पोर्शन आपने वायर का डाला था आउटर जोन में वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटर जोन जो होती है वो सबसे हॉटेस्ट जोन होती है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है कंबशन की वजह से, तो वो जोन जो होती है सबसे हॉटेस्ट जोन होती है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्लेम के रिगार्डिंग। अब आई थिंक आपको फ्लेम के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।